सच बोलेंगे तो झूठ बोलेंगे तो और झूठ सच बोलेंगे तो ही ऐसा सिस्टम कोई करे कि जिस वजह से लोग जानते परेशान है। आज बिजली के इशू को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से हम जम्मू कश्मीर के कुछ हमारे सीनियर नेता खास करके हमारे डॉक्टर रमाकांत खजूरिया जी, हमारे कॉर्पोरेटर राजेंद्र सिंह जी और हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट संजीव शर्मा जी ने आज बिजली के इशू को लेकर जम्मू में जो प्रॉब्लम आ रही है और पिछले दिनों काफ़ी प्रॉब्लम आई और हमने सोशल मीडिया में भी देखा कि भी काफ़ी ज़्यादा खास करके जवानों पर यूथ जिन्होंने अभी लोन लेकर अपनी दुकानें स्टार्ट की थी और जो सामान उन्होंने डाला हुआ था वो भी तबाह हो गया बिजली कटेनमेंट की वजह से। और खास करके कोविड के टाइम पे कि जब लोग ऑक्सीजन लगाकर घरों पर बैठे हैं, इसलिए हमने उनसे गुजारिश किया कि जो कंटेनमेंट सिस्टम को ठीक किया जाए, बहाल किया जाए और कम से कम जो लोकल हमारे स्टेशन जो हैं पूरे जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो वहाँ स्टाफ है उनको भी कहा जाए कि कम से कम जो बिजली की जो प्रॉब्लम उसको दूर करें। और बिटवीन PDD और PHC के बीच में कोऑर्डिनेशन हुई, जब PDD को कहीं की भी PHC से बात करेंगे आज पानी 3 दिन से कहीं मोहल्लों के अंदर आया तो वो कहेंगे PDD कसूर है। पर आज हमने यही गुजारिश किया PDD और PHC की कोऑर्डिनेशन हो जिससे लोगों को बिजली और पानी की सहूलियत मिल सके ऐसे मौके।